नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। मात्रम सर्व भूता नाम गावह सर्व सुखम, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में अनेकों जगह, सैकड़ों जगह गायों की एक महिमा को बताया गया है। तो जो कहा गया है कि मात्रम सर्व भूता नाम गावह सर्व सुखम, अर्थार्थ सभी जीव जंतुओं की माता जो कहलाती है वो गोमाता कहलाती है, और सभी मात्रम सर्वभूता नाम गावोह सर्व सुखम, और सभी को सुख प्रदान करने वाली इस सृष्टि में अगर कोई है तो वो गोमाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक बार फिर हम हरिता की पावन भूमि पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हमें अच्छी भारतीय मूल की जो पवित्र नस्लें हैं वो देखने को मिल रही हैं। हांडा सर को यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं युवा जो हैं, जो गायों सिर्फ और सिर्फ जो देसी गायें हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, उनकी वीडियो एक बार पुनः हरिता की पावन भूमि से कवर करते हुए। तो आज कोरोना का संक्रमण है, तमाम जो वैद्य हैं, तमाम जो चिकित्सक हैं वो आपको बता रहे हैं कि फला चीज़ खाएं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, फला होगा, टिनका होगा। मैं भी एक इसमें ज़रूर बिंदु जोड़ना चाहूँगा कि गाय का दूध अगर आप पीते हैं उसमें भी अगर एक कदम आगे बढ़ करके सोचें, जब गाय बच्चे को जन्म देती है उस समय जो गाढ़ा पीला दूध जो होता है, जिसे अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे को भरपेट पिलाएं, उसके पिलाने के बाद भी कुछ जो बच जाता है, एक गिलास दो गिलास उसका सेवन करके देखें और फिर बताना कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कितनी गुना बढ़ती है। तो क्योंकि आज हम ज़्यादातर जो दूध है वो खरीद के पीते हैं, घी जो है वो खरीद कर खाते हैं, तो दूध और दूध आधारित जो खाद्य सामग्री है वो हम भले ही बिना पशु रखे हम पा सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रम खीस और वो भी देसी गाय का जो खीस, जो कोलेस्ट्रम होता है, वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आंगन में स्वयं एक गाय रखते हो। तो हांडा सर की जो आज जो गोधन उपलब्ध करा रहे हैं, कोरोना का जो वैश्विक जो संकट है उसमें ये देख सकते हैं जो गायें उपलब्ध कराने का एक साहसिक कार्य, मैं इसको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इस समय जब सब कुछ लॉकडाउन में है उस समय गायें जा करके खरीद करके और उपलब्ध कराना ये काफ़ी कठिन कार्य है। तो शुरुआत कीजिए इस गाय से, क्या कुछ खासियत इसकी है जीतू भाई? ये आज चौथे दिन की ब्याई है, ठीक है। इस दिन पहले दिन हमारे यहाँ ताज़ा ब्याई उसी दिन लेके आए थे खीस के अंदर। पहले तो इसकी नस्ल बताएं। साहिवाल गाय है भाई, प्योर साहिवाल जो कहते हैं कि पंजाब के अंदर नूर महल के अंदर साहिवाल गाय बताते हैं कि पंजाब के कुछ क्षेत्र में है। इस गाय के अंदर सारी क्वालिटी वो है भाई साहब जो साहिवाल गाय के अंदर होनी चाहिए, और 20 लीटर दूध देने की कैपेसिटी भाई साहब वीपी बार। आपको आशा है? हाँ, उम्मीद है पूरी, क्योंकि जो जिस मालिक से लेके आयो ना वो 17-18 लीटर दूध आया पिछले ब्यात तीसरा ब्यात है भाई साहब, तीसरा ब्यात है। ब्याने से पहले लेकर के आए थे आप? यही उसी दिन लेके आया था भाई, खीस के अंदर ही उसी दिन लेकर के आए। कितना आपने? लगभग 4 किलो निकाला, और आने के बाद में 6-6.5, और शाम को 8-9 के लिए लगभग तकरीबन। हाँ, चौथी टाइम इसको खाली कर दिया हमने तकरीबन। हाँ ठीक है, तकरीबन ये मान लो 9 लीटर टाइम का खीस हमने इसका निकाला भाई साहब। तो अभी जैसे सुबह दूध निकाला इसका हमने 6 किलो 700 ग्राम बच्चे से अलग ठीक है। और अभी शाम को निकालेंगे लगभग यही 7 किलो 7.25 किलो दूध, 7.75 बच्चे समेत हुआ भाई साहब, बच्चे समेत। चौथे दिन की ब्याई हुई है, चौथे दिन की ही ब्याई हुई है। और ये देख सकते हैं बॉडी पोस्चर, मैं इसका जरूर एक बार समझाना चाहूंगा कि लेद का मतलब है अगले पैर आप इसको छोटे दिखाई देंगे, और पिछले जो पुट्ठा है वो जनरली ऊंचा रहता है। आप पुट्ठे के ऊपर एक बॉल अगर रखते हैं, अगर पीछे एक बॉल रखेंगे तो वो लुढ़क करके और इसकी जो कुकुंद है उसकी तरफ आ जाती है, चेहरे मोरे की जो बनावट है, आँखों के पीछे जो टेपर्ड हेड हमें दिखाई देता है साहिवाल में, वो भी हमें इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अडर क्वालिटी के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि दूध का, क्योंकि इसमें जोश ज़्यादा है इसलिए ये देख सकते हैं जो अटैचमेंट है वो थोड़ी सी शरीर से अलग हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। थन पासों में किसी प्रकार की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिली। ये देखिए पास से मैं इसको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए थनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा
जो दूध ज़्यादा होने की वजह से जो शरीर के साथ जो इसका एक लगाव था वो अलगाव में ज़रूर देखने को मिला। ये देख सकते हैं, चला करके इसको दिखाएं और ले जाएं, इस गाय को ले जाएं, बांध दें। ये देख सकते हैं, आज शुद्ध साहिवाल को ढूंढना कुछ उतना ही कठिन है जिस प्रकार भूसे के ढेर में एक हम सुई को ढूंढते हैं। ये देख सकते हैं, पीछे से भी मर्डर को ज़रूर दिखाना चाहूँगा, और इस बार मेल काफ को फीमेल काफ को, बछड़े को जन्म दिया जी, बछड़े को जन्म दिया है इस बार। ये देख सकते हैं, ठीक है, इसके बाद और बताएं। इसके बाद में अपनी एक ये वहीं से शुरू करें, ये ठीक है, सबसे पहले तो चला करके दिखाएं, देसी गाय, ठीक है। ये देख सकते हैं एक और अच्छी ठंड पासों की बनावट इसकी देख सकते हैं, और जो अंडर की जो मिल्क वेन जो है वो भी दिख रही है, और बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा इसको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं, शांत है, शांत है, बिल्कुल बिल्कुल शांत है जीतू भाई, बिल्कुल शांत है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, कहीं पर भी हाथ लगाओ कोई झिझकने टक्कर मारने इस तरह का स्वभाव हमें इस गाय में नहीं देखने को मिला है, ठीक है। थनों को हाथ लगाएं एक बार, ये देख सकते हैं मुठिया थन है, मैं इसके लिए नया हूँ। ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं, आप मेरे एक इससे अनुमान लगा सकते हैं कि दूध निकालने में काफ़ी सुगम है, सरल है। ये देख सकते हैं, दबा करके, और ठीक है, एक कदम आगे रखवाएं। थनपासों में जो दूरी हमें देखने को मिल रही है ये भी काफ़ी सटीक, और आगे ले जाएं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या डिटेल आपके पास है वो तो बताएं। तीसरे ब्याज पे है, ठीक है, अभी 2 से 3 दिन में बच्चे को जन्म देने वाली है, ठीक है। पिछले ब्याज 7 लीटर वन टाइम एक मालिक टाइम, ने एक टाइम, ठीक है, तकरीबन 14 लीटर 14 लीटर दूध, इसकी बार वही 14-15 प्लस की गाय है भाई साहब, मेरी उम्मीद है, मेरा तजुर्बा कहाँ कहता है। शांत इतने जीतू भाई, हर एक गाय इतनी शांत नहीं मिलेगी कहीं भी, अंडर फील्ड के अंदर कहते हैं ना लोग कि देसी गाय मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ, आप मेरे साथ चलो, चलूंगा साथ, ठीक है, जाके तो दिखाई। तो क्या कुछ इसका प्राइस, मैं सबसे पहले तो उसका प्राइस आपसे जरूर पूछना भूल गया था, वो बताएं। साहिवाल गाय का 90,000 रूपए जीतू भाई, 90,000 रूपए साहिवाल का प्राइस, और इसका ये हरियाणा नस्ल की अपनी जो देसी गाय है 55,000 रूपए भाई जी, ठीक है। और नाभि के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके देखो नाभि भी है छोटी सी, वो आप अनुमान लगाए देसी है या राठी है, थाक बर्गर ये आपके सामने देखो, छोटी नाभि भी है, एक जो हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी हल्की सी नाभि इसमें दिखाई दे रही है, अन्यथा ये देखिए किसी भी चीज से बांधा नहीं गया, हट जाए एक बार, ये देखिए शांत स्वभाव है, शालीन स्वभाव है, और काफी अच्छा जो इसका अडर की बनावट है। तो प्राइस 55,000 रूपए जीतू भाई, 55,000 रूपीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद में एक रेड सिंधी, लाल सिंधी ले आए, आगे ले आए, इसको ले जाएं, इसको ले जाएं, इस वाली को ले जाएं, बस 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 ले जाएं। लाल सिंधी नस्ल की गाय जो कि भारत में से तकरीबन विलुप्ति की आज कगार पर है, उत्तराखंड की बात अगर छोड़ दें और उड़ीसा की अगर बात छोड़ दें, दो दांत देख लो, शायद चार ये चार दांत, दो तीन चार, हाँ चार बड़े कर रखे हैं, ठीक है, चार दांत बचिया है, देख सकते हैं उम्र में काफी कम है। इसके बारे में पूरा एक बार चला करके इसका व्यक्तित्व दिखाएं, ठीक है, ले आए, ये देख सकते हैं लाल सिंधी जो कि तकरीबन आज विलुप्त हो चुकी है। साहिवाल और रेड सिंधी में अगर अंतर भेद इनका लगाना हो तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो साहिवाल की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, नाभि थोड़ी छोटी होती है। सिंग बताएं, सिंग अपनी जो हरियाणा देसी गाय होती है भाई साहब, यूनिफॉर्म सिंग होते हैं, यूनिफॉर्म सिंग मिलते हैं, ज्यादा मोटे नहीं मिलते, पतले और ऊपर की ओर, और माथे में तकरीबन हमें पोल भी देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लाल सिंधी, तो इसका क्या कुछ रिकॉर्ड है, दूध उत्पादन है, वो डिटेल बताएं। आज ये ब्याई हुई होगी 11-12 दिन की तकरीबन, ठीक है, और मैं जिस मालिक से 2 टाइम दूध निकाल के लेके आया हूँ ना, ठीक है, और वही बात मैं सभी भाइयों से आजोड़ के विनती करता हूँ, कहीं से भी गाय लो, किसी से भी लो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितना मन करे उतना दूध निकालो, तब इंसान का अपना पेटा भर जाए तब गाय लो, ठीक है। और ये मैं गाय 3रा दिन भाई मेरे पास आई हुई,
11 लीटर दूध निकाल के लेके आया हूँ। अभी शायद मेरे पास 10 भी होगा, 9.5 भी होगा, क्योंकि एक खुट्टे से दूसरे खुट्टे पे लेते हैं ना, तो 2-4 दिन गाय दूध कम कर जाती है, कर जाती है। ठीक है, फिलहाल मेरा उम्मीद ये है कि भाई 12, 12.5, 11, 12 ये दूध रहेगा फर्स्ट लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन में, ठीक है। और इसकी माँ का जो बताया था आपने, इसकी माँ के 20 लीटर दूध है जीतू भाई, और यहाँ से लगभग 95-96 किलोमीटर है तारानगर, ठीक है, खड़ी है 20 तारानगर राजस्थान, राजस्थान के अंदर, ठीक है, ठीक है। और इसकी माँ नून कन्हे माधन से आई थी, ठीक है, आज से लगभग 10 साल पहले 23,000 रुपए की, 23,000 रुपए की, ठीक है। और आज 20 लीटर दूध दे रही है, 11वें ब्याज पे है, 11वीं बार बच्चे को जन्म दिया है, तो इसका क्या कुछ जायज मूल्य आप? 55,000 रुपए भाई जी, 55,000 रुपीज रेड सिंधी, जो कि लुप्त हो चुकी है। अगर आज आप ढूंढने के लिए निकलेंगे तो शायद आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। ये देख सकते हैं अडर, ये देख सकते हैं, इसकी मिल्किंग भी वीडियो कवर करेंगे, इसकी भी मिल्किंग वीडियो कवर करेंगे, बांध दीजिए। ये देख सकते हैं गहरे भूरे रंग में रेड सिंधी नस्ल की ये जो बच्चिया है, काफी सराहनीय है। इसके अलावा ये देख सकते हैं अगली जो गाय है जीतू भाई, इसके बारे में और जानकारी दें। ठीक है, ब्लैक देसी, ठीक है, ब्लैक रंग की देसी गाय है, सारा काला, ठीक है, इसे भी सफेद नहीं है, मामूली है, बिल्कुल देखो एक, ठीक है, हल्का सा एक गर्दन के पास हल्का सा दिख रहा है और एक मार्का हमें अडर पर दिख रहा है, अन्यथा देसी काली गाय। ये देख सकते हैं पैरों की सुधाई में इसका कुकुंद है और गहरे रंग में, गहरे चमकीले रंग में ये जो काले रंग की गाय जो हमें देखने को मिल रही है, काफी कम देखने को मिलती है। और ये देख सकते हैं अडर को अगर मैं पास से दिखाऊं, थोड़ा सा नाराज जरूर हो रही है। ये देख सकते हैं थनों की जो गैप है वो देखिए, और दूध के कूप जो हैं वो टाइट हैं। टाइट का मतलब आप ये समझिए, ठुकी हुई जो लेवटी जिसे कहते हैं, टाइट और दिखने में शायद कम दिखे लेकिन दूध उत्पादन क्षमता उनमें भरपूर मिलती है। तो अभी कितने दिन और लगेंगे ब्याने के? तो भाई इसके 9-10 दिन बाकी हैं, ठीक है, और ये लगभग मेरे पास आज से 4-5 महीने पहले आई थी, ठीक है, 4-5 महीने पहले, उस टाइम ये 8-9 लीटर दूध देती थी, ठीक है। 9 लीटर दूध के ऊपर हमने इसको आज से 20-25 दिन पहले इसको छोड़ दिया, ड्राई कर दिया इसको, ठीक है। और जिस मालिक से मैं ले गया ना आज से 4-5 महीने पहले, वो कह रहा है मेरे 8 लीटर टाइम का दूध देती थी, ठीक है, ठीक है। इसकी बार वही 8-8.5 लीटर टाइम का दूध, टाइम का तो 15-16 प्रतिदिन का, ठीक है। लेकिन गाय के केयर के ऊपर भी होता भाई जी, ये देखो रख रखाव देखो, आप गाय ले आते हो, ठीक है, जाने के बाद में कह देते हो भाई साहब मेरे पक्के में बंदी आई है, गाय इतना दूध देती है, केयर करते नहीं है, बाद में अंडा को बुलाना देते हैं, ठीक है। आपका खुला बिल्कुल देखो माहौल देखो भाई जी, हाँ, शुद्ध जो हवा है उसका प्रवाह हम देख सकते हैं, और नीचे जो कुदरती बालू रेत के जो गद्दे इनको उपलब्ध कराए गए हैं, और देख सकते हैं किसी भी जो शहर में जो एक तरह की शोर शराबा होता है उससे दूर इनको ये देख सकते हैं बिल्कुल शांत वातावरण जो दिया गया है, ये अति सराहनीय है। बताएं जीतू भाई 16-17 लीटर दूध की कैपेसिटी पक्की कन्फर्म है, मेरा तजुर्बा क्यों कहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको दूध चुका हूँ, ठीक है, 3 महीने लगातार कंटिन्यू मैं इसका 8-9 किलो दूध निकाल चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ये गाय है और एक ये गाय है जीतू भाई, इसके डिटेल, हाँ ठीक है, ये दोनों गाय एक घर से आई थी मेरे पास, अच्छा एक ही घर से, एक ये गोधन और एक ये वाली गाय, ये गाय, ठीक है, इसको भी ले आए, आगे ले आए, इसका डिटेल कंप्लीट करें जीतू भाई। फिलहाल ये मान लो आप 8-10 दिन 12 दिन भी ले सकती है, ठीक है, जाने में, और जो भाई खुट्टे पे आगे देखे ब्याने के बाद देखना चाहे या ज्ञापन ले जाना चाहे उसी बंदे को गाय दूंगा, हाथ जोड़ के विनती है फार्म पे आए, न कि ऑनलाइन मेरे खाते में पैसे डाल दिए, मैं गाय नहीं दूंगा भाई, नहीं देंगे बस। तो देख सकते हैं काफी अच्छी जानकारी, तो क्या कुछ प्राइस इसका डिसाइड किया है आपने? इसका भी भाई जी 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज, ठीक है, तकरीबन 15-16-17 के आसपास दूध उत्पादन क्षमता। कितने दिन अभी ब्याने के बचे हुए हैं? ये 10-11-12 दिन, 10-11-12 दिन, तो अभी देख सकते हैं, कहते ना जीतू भाई अडर को और ज्यादा विकसित करेगी, कहते मालिक कहता है 9 तारीख को ब्याज पूरा हो गया मेरी का, 9 महीने बताते हैं, भैंस होती है 10-25, गाय होती है 9-25, 9-25 का, गाय कह तो 1-2 दिन ऊपर ले लेती है और एक दो बार कई बार छोड़ भी देती है, 9 महीने 25 दिन में से। और देसी गाय कैसी है जो 9-25 ले जा सकती है, एचएफ और जर्सी है ना भाई जी, 9 महीने के भी 2-4 दिन छोड़ देंगी, छोड़ देंगी, हाँ ठीक है। तो एक बार चला करके दिखाएं धर्मेंद्र भाई, एक बार इसको ले जाएं, ये देख सकते हैं युवा साथी हैं जो कि गायों की पूरी रख रखाव में हांडा सर की मदद करते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं मतवाली चाल, काले रंग की जो देसी गायें हैं। और इसके अलावा ले आए,
ये देख सकते हैं हम्प, काफ़ी प्रभावशाली इसका हम्प, और रंग एवरेज हाइट में इसी कहूँगा, ज़्यादा वो नहीं। नीचे बैठ जाएं, बताएं पूरी डिटेल, बताएं, आगे आ जाएं आप। हाँ जी, ये भी मेरे उसी के साथ उसी मालिक से गाय ले हुई है। ठीक है। और ये भी 7 से 8 लीटर दूध देती थी। अच्छा, ठीक है। हाँ। 4 लीटर टाइम का, कभी 4 कभी 4.25। ठीक है। और इस की बार मेरे यही उम्मीद है भाई जी, तो मालिक ने तो बताया ना, उस पे क्यों जाओ, 14-15 किलो दूध गाय के, देसी गाय के नीचे हो जाए भाई जी, थोड़ा नहीं तो कम नहीं होता। तो क्या कुछ जीतू भाई, इस गाय की शराफत, स्नेह और प्रेम, एक बार हाथ फिरा करके पूरा दिखाएं, मैं दिखाता हूँ आपको, स्नेह और प्रेम देखो ना आप, इतना आपका मन करे, ये देखो। तो देख सकते हैं स्वभाव में काफी शालीन, शांत गोधन है। और जीतू भाई, दोनों गाय के नीचे न तो बछड़ी थी ना बछड़ा था, दोनों गाय कूड़ी डालो और दूध निकाला, मेरे इसने लंबे टाइम तक दूध दिया भाई जी। तो 3 महीने से आपके पास ही है? 4.5-4.75 महीने हो गए भाई जी, 4-4.5 लगभग। इसको तो अभी 16-17 दिन हुए टाले हुए, और लगभग दोनों का समय एक ही है, मान लो 10 दिन पहले है या 10-15 दिन बाद में है। बहुत बढ़िया। अब जीतू भाई, गाय इतनी शांत थे, आप देखो बच्चे बगैर गाय दूध देती है, दोनों गाय आज बैठ जाओ कूड़ी डाल के अभी दूध देंगी दोनों। बहुत बढ़िया। तो क्या कुछ इसका आप जायज प्राइस? 48,000 रुपए दोनों ही, ये भी और वो जो काली गाय है वो भी। ठीक है। उसके अलावा ये देख सकते हैं, एक बार इसको चला करके दिखाएं, हरियाणा नस्ल में फिर कहना चाहूंगा, खिंचा हुआ शरीर, कमान की तरह जो खिंचा हुआ शरीर हमें देखने को मिलता है, इस तरह की गायें काफी कम। सुंदरता आप देखिए, काफी सराहनीय कुकुंद, बिल्कुल पैरों की सिधाई में इसका कुकुंद, और ये देख सकते हैं किसी भी प्रकार का लेद हमें इस गोधन में नहीं देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं, अति सराहनीय। ये देख सकते हैं सुंदरता, लाजवाब, शालीनता, शालीन है बिल्कुल, बिल्कुल शांत स्वभाव, ये देख सकते हैं। कहीं पर भी हाथ लगाओ मेरे लिए, मैं इसके लिए नया हूं, फिर भी ये देखिए, ये देखिए आप, सफेद रंग जो कि हमारे तिरंगे झंडे में भी होता है, शांति का प्रतीक है। 15 अगस्त 26 जनवरी में सफेद रंग के जो कबूतर छोड़े जाते हैं, वो भी एक शांति का ही प्रतीक है। तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं शांत स्वभाव, शालीन स्वभाव, और थनों में कुछ कुछ दूध डालने लग गई है, तो इसका मतलब कितने दिन में ये तकरीबन ब्याने वाली है? 20-22 दिन में ये बच्चे को जन्म देने वाली है। मिल्क वेन आप इसकी देख सकते हैं, और देख सकते हैं ना भी तकरीबन ना मात्र की, ये देख सकते हैं हाइट, एक बार हाइट दिखाएं, पीछे खड़े हो इसके, हाँ दिखाएं, ये देख सकते हैं पुट्ठे पर हाथ रखे, ये देख सकते हैं हाइट काफी सराहनीय। धर्मेंद्र चला करके दिखाएं इसे, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसकी क्या कुछ आपकी जीतू भाई, एक ये गाय है और एक ये मेरी गाय है श्यामा, श्याम रंग की, ठीक है, ये गायें लगभग दोनों सेम दिन है, ठीक है, 20 से 22 दिन। हाँ हाँ। ये दोनों गायें बछड़ा लाओ या बछड़ी लाओ, मैं इनको ब्याने के बाद में सेल करूंगा, करने का मेरा इरादा नहीं, क्योंकि इनसे एक बछड़ी चाहिए मेरे को। तो देख सकते हैं नस्लें, अच्छी नस्लें, ये हांडा सर भी जानते हैं, वो काम करके, मेहनत करके, और अपने फील्ड में उनको जन्म दिलवा कर ही विकसित की जा सकती है। फील्ड में आपको कोई, ये सफेद गाय, कोई कहता है कि सफेद गाय हरियाणा देसी कितना दूध देती है, कोई दूध नहीं है जीतू भाई, इसके 13-13.5 लीटर दूध है, लेकिन दूध के अंदर जो गुणता है ना, इसके जो बच्चे, बच्चा हमको जो चाहिए गुणवत्ता, इसलिए वो बढ़िया है, वो काफी सराहनीय है। तो ये देख सकते हैं चेहरा मोरा काफी सराहनीय, और उसके बाद ये जो गाय है इसकी क्या कुछ खूबी है? दूध उत्पादन क्षमता 18 से 20 लीटर दूध, 18 से 20 लीटर पिछले साल से ही आपके पास, मेरे पास है ये। और देख सकते हैं इसका जो गर्भ धारण करवाया गया है शंभू महाराज जो जीतू भाई के फार्म के ऊपर युद्धवंशी गौशाला के अंदर, ठीक है। एक और जो गोधन हमें देखने को मिल रहा है, हाँ जी, इसके बारे में बताएं। 7 करोड़ है जीतू भाई जी, ठीक है, और 5 से 5.5 लीटर दूध पिछले ब्याज सेकंड इलेक्ट्रिशियन ने, वही 5 से 6 लीटर दूध निकाल, लगभग उम्मीद है भाई जी 11-12 लीटर दूध दे देगी गाय, दे देगी, ठीक है। देसी और 8 करोड़ है भाई जी, छोटे परिवार के लिए छोटी गाय छोटी पूंजी ओनली 30,000 रुपए, ओनली 30,000 रुपीज। तो ये देख सकते हैं ये जो गाय है शांत है, बिल्कुल शांत है। तो शांत है, शालीन है, हाथ फेर करके पूरा इसका व्यक्तित्व जो है वो दर्शकों को देखने दें कि हमारी जो क्या होता है कि हमारे यहाँ जो गाय लेके आते हैं ना राजस्थान के अंदर, राजस्थान के लोग कहते हैं ना हमारी बिंदनी एक दूध निकालेगी, तो वहाँ लेडीज दूध निकालती हैं, लेडीज रख रखाव करती हैं, हमारे यहाँ आदमी करते हैं, उसकी थोड़ा चिड़चिड़ापन करती है, लेकिन कोई भी गाय जिस माहौल में आप डालना चाहोगे डल जाएगी, हमारे बिल्कुल नहीं जीतू भाई, तो ये देख लो आप,
तो ये देख सकते हैं ये जो गोधन है, ठीक है, चला करके दिखाएं, मात्र 30,000 ओनली 30,000 दूध उत्पादन क्षमता 11 से 12 लीटर, 11 से 12 लीटर, ठीक है। ये देख सकते हैं अभी ब्याई हुई है, ब्याने वाले जीतू भाई, ब्याने वाले 5 से 7 दिन में बच्चे को जन्म देने वाली, 5-7 दिन में बच्चे को जन्म देने वाली है। तो ये सारी डिटेल्स इन्होंने बताए हैं। इसके 30,000 रुपए जो रेड सिंधी है उसके, रेड सिंधी के 55,000, 55,000 रुपीज, ठीक है। ये आप हाँ ठीक है, मान लो हाँ ठीक है, मान लो हाँ ठीक है, 55,000 रुपए, 55,000 रुपीज, ठीक है। इसके साहिवाल के 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज, ये देख सकते हैं, ठीक है। गाय है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मेरे पिताजी का कहे है ये दोनों गाय मेरे लिए सेल नहीं है, ठीक है, इनको सेल करूंगा नहीं, इनसे एक एक दो दो रतन लेना, मेरे को रतन लेना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं ये जो गोधन है और एक ये जो गोधन है, इसके अलावा पीछे जो है एक ही अभी अभी जो बताया है 48,000 दूध कितना, 16, 16.5, ठीक है, 8 लीटर दूध दिया हुआ भाई, 8 लीटर दूध दिया हुआ है। तो देख सकते हैं हांडा सर फील्ड में जा करके ब्लैक ने भी 8 लीटर 8.5 लीटर टाइम का दूध दिया जी, तो तकरीबन 15-14 प्लस में, ठीक है। तो कुछ एक बार हमें ये देखने को मिलता है कि गाय अंडर परफॉर्म करती है, मतलब जितनी उससे आकांक्षाएं होती हैं उतना दूध नहीं दे पाती है, तो उसका क्या कुछ कारण हो जाता है? जीतू भाई जी मैं बताऊँ, आप आलू की सब्जी खाते हो, हाँ हाँ, आपको 4 दिन लगातार आलू देते जाएंगे, ठीक है, आप क्या कहोगे? बोले मम्मी आज आलू की सब्जी मत बनाइए, मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, कल आपको दाल दे दी जाए, अगले दिन आपको गोभी दे दी जाए। मेन कारण ये है जीतू भाई लोगों का, पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग होते ना वो सतबेजड़ा अनाज बोया करते थे, आज हमने उसको बोना बंद कर दिया, 7 तरह का अनाज, सतबेजड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो हमने बंद कर दिया। एक है जीतू भाई रख रखाओ, रेंट सेन, क्या करते हैं देसी गाय ले गए, जैसे भैंस को नहलाते हैं ना, जाके उसको ऐसे नहला दिया, उसके अंदर जो गाय के शरीर के अंदर होते हैं ना गर्म तापमान, वो सहन नहीं कर पाती, उसकी वजह से वो दूध भी कम कर जाती है, क्योंकि गाय को नुआओ मत। तो गाय के अंदर जो ग्रंथियां हैं उसमें से जो तेल का रिसाव होता रहता है वो उसको प्राकृतिक तौर पर गर्मी से लड़ने की ताकत देता है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो की तरह उस व्यवस्था में न घुसाने की कोशिश करें। और बताएं और क्या जीतू भाई, जैसे रहन की जगह ना खुले में रखो, बाहर गद्दा डाल दे, चलो कहीं जगह कुछ एक फार्म पे हमने देखने को मिला एक कमरा, जैसे कि वो जो कमरा है उस तरह का होता है, उसी में घुसा देंगे, 10x10 का कमरा हुआ, 10x10 कमरे के अंदर जीतू भाई, इस गर्मी के अंदर आप सोगे, देखो पंखा लगा दूं आपके ऊपर, आप सोगे दिखाओ तब आप कैसा महसूस करोगे। तो वो ये गाय भी वैसा ही महसूस करती है भाई साहब, गायों को भी थोड़ा खुलापन अगर खुलापन मिलता है। कोरोना में हमने देखने को मिला कि जब हमें घर में कैद कर दिया गया था तो 2 महीने में हम बेचैन हो गए थे, तो वैसे ही गाय बेचैन अगर होगी तो दूध किसी से लालच बेची तो भाई, जैसे मेरे पैर के आज से मैं 8 साल पहले लिगामेंट टूटे जीतू खेल में, सासनाम स्टेडियम सरसा मेरी टीम की ट्रायल थी, उसके बाद में लिगामेंट टूट गया, मैंने आसिम अली हॉस्पिटल में रस्से डलवाए मेरे, मैं 4 महीने खाट में रहा जीतू भाई, चलो मेरा सुख तो फूल गया लेकिन मेरे शरीर के अंदर वो स्टेमिना नहीं थी, वो पावर नहीं थी जो मेरे से आज से 4 महीने पहले थी। वही एक कारण है गाय को आदमी खुली व्यवस्था में रखे, वो एक मशीन नहीं है, हाँ। वो एक जीता जागता जीव है, तो उस जीव को अगर उसकी एक साइकोलॉजी उसकी एक बिहेवियर को अगर आप समझ लेते हैं तो जितना बताया गया है कई बार तो उससे भी ज्यादा दूध हमें देखने को मिलता है। एक बताओ, हम अपने बच्चे की देख रेख करते हैं ना, तो ये भी हमारी माँ है, जननी माँ है, इसका उतना नहीं, उससे 2% भी अगर कम कर दोगे ना, मेरा वादा रहा जीतू भाई 15 ही कही है, 15 दूध देगी। तो देख सकते हैं दूध भी अच्छा देगी और उस दूध में जो तनाव रहित जो हार्मोन्स अगर मिलते हैं तो आपको स्वास्थ्य में भी काफी बढ़ोतरी होगी। तो प्योर शुगर है ना, गाय के हाथ फेरने से वैसे नॉर्मल कई बीमारी हमारी, ये तो आज तमाम डॉक्टर मानते हैं कि इससे उस चीज का समाधान हो जाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इनके पास अच्छी गोधन देख